अगर आपको आपके काफ मसल के पास, आपके हैमस्ट्रिंग मसल के पास, आपके नी जॉइंट के पिछले पार्ट के अंदर ब्लू कलर के डिस्कलरेशन वेंस दिख रही है, या तो स्पाइडर वेब या तो स्पाइडर की तरह जो गुच्छे होते हैं वैसे फील हो रहा है, जिसकी वजह से आपको चलने में, उठने में, बैठने में, ज़्यादा समय तक खड़े रहने में पेन होता है आपके लेग्स के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेरिकोस वेंस। और यही वेरिकोस वेंस के लिए आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्या होती है, क्यों होती है, इसकी डायटरी पैटर्न क्या होती है, इसकी एक्सरसाइजेज कौन कौन सी करनी चाहिए, जिससे शायद ऐसा हो सकता है कि 15 से 20 दिनों के अंदर आपको बहुत राहत मिलना चालू हो जाए। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि अगर आप सर्जरी करवाने की सोच रहे तो सर्जरी डिले करवा सके या सर्जरी करवाने की जरूरत ना भी पड़े। तो आज का वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और जिन जिन को आपके फैमिली में ये प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर जरूर से करिएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिकोस वेंस। इसे समझने के लिए आपको आर्टरी एंड वेंस का डिफरेंस समझना जरूरी है। दोनों ही ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को कैरी करती है, बट आर्टरी जो होती है वो आपके हार्ट से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो बॉडी पार्ट तक पहुंचाती है, और वेन जो होती है वो आपके बॉडी पार्ट से जो वीनस ब्लड है, जो ऑक्सीजन विदाउट का ब्लड है, वो हार्ट को पंप करती है। अब आपको ये पता चल गया आर्टरी और वेन क्या है, तो वेरिकोस वेन सबसे पहले तो वेन में होता है जो ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट तक पहुँचता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपके घर पे जो टंकी होती है उसमें नीचे की टंकी से पानी ऊपर की टंकी में जब चढ़ाना होता है तो एक वाल्व की सिस्टम दी होती है और मोटर भी काम करती है। तो समझ लीजिए मोटर आपका हार्ट है और वाल्व जो होते हैं वो वाल्व आपके हर एक बॉडी पार्ट में होते हैं। अब जब पानी ऊपर जाता है तो पानी नीचे ना आ जाए रिवर्स फ्लो में, इसके लिए वो वाल्व को आपको चढ़ने के बाद बंद करना होता है, ओके। और इसी तरह से हमारे हर एक बॉडी पार्ट में ऐसे वाल्व है कि ब्लड एक बार ऊपर चला गया उसके बाद ब्लड नीचे ना आ जाए, इसके लिए वाल्व बंद हो जाते हैं। ये वन वे सिस्टम होती है कि बॉडी में ब्लड एक ही डायरेक्शन में मूव करे, इस रीज़न की वजह से। तो यही वाल्व अगर डैमेज हो जाते हैं तो, और यही वाल्व स्पेशली काफ के अंदर डैमेज हो जाते हैं बिकॉज लोअर लिम आपका एकदम निचला हिस्सा है, नीचे से ऊपर चढ़ने में बहुत डिफिकल्टी आती है, तो मैक्सिमम ये काफ में होता है, तो आपको वेरिकोस वेन की दिक्कतें आती है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जब भी वाल्व डिस्टर्ब होते हैं तो ब्लड वहाँ पे क्लॉट हुआ होता है और वो रास्ता ढूंढता है ऊपर जाने का। जब रास्ता ढूंढता है तो वो वेन्स क्रिएट करता है, गुच्छे क्रिएट करता है वेन्स का जो ब्लू कलर से डिनोट होती है, और इसी कलर से आपको स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन आता है और आप ब्लू कलर का डिस्कलरेशन उस बॉडी पार्ट में देख पाते हैं। ये आपके काफ से चालू कर आपके नी जॉइंट के पिछले पार्ट और आपके हैमस्ट्रिंग तक जा सकता है, और इसकी वजह से एक समय ऐसा भी आता है कि खड़े आप नहीं रह सकते और आपको बैठने में दिक्कत आती है। ये एक बहुत ही सीवियर कंडीशन है जिससे आपको बाहर आना जल्दी से जल्दी बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसका पेन भी बहुत क्रूशल होता है और हमेशा थोड़ा थोड़ा पेन होता रहता है। ये एक प्रकार का क्रॉनिक पेन है। क्रॉनिक पेन मतलब जो लंबे समय तक होने वाला पेन हो। वो वेरिकोस वेंस दो तरीके से ठीक हो सकता है, एक आपकी प्रिवेंटिव केयर से और हेल्थ एंड वेलनेस से। मतलब कि आपकी लाइफस्टाइल अगर अच्छी है तो आपको वेरिकोस वेंस नहीं होगा। सेडेंटरी पीपल को ये ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है, जो कंटिन्यूसली लंबे समय तक ऑफिस चेयर पर बैठे हुए हैं, अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं देते। जो लेडीज़ है वो कंटिन्यूसली किचन के अंदर लंबे समय तक 8-10 घंटे तक खड़ी रहती है और अपना काम करती रहती है, उनको ये ज़्यादा होता है। तो आपकी बॉडी को हिलचल करना या तो कंटिन्यूसली एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, तो आपको वेरिकोस वेंस नहीं होगा। और अगर हो चुका है तो वही एक्टिविटी से आप उसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। दूसरी टेक्निक होती है जो सर्जिकल प्रोसीजर होती है, जिसमें पहली आती है रेडियो वेव टेक्निक, जिसके अंदर आपकी वेरिकोस वेंस वाले पार्ट पर रेडियो वेव्स या हीट को इंजेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से वेरिकोस वेंस आपकी बॉडी में से बिल्कुल खत्म हो जाती है। दूसरी टेक्निक होती है इंजेक्शन से एक सॉल्यूशन डालते हैं और जो वो सॉल्यूशन की वजह से वेरिकोस वेंस फिनिश होती है। सारी सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके लिए आप डॉक्टर का जरूर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिससे वेरिकोस वेंस बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन अगर आपको सर्जरी नहीं करवाते तो बैक टू ऑप्शन वन, हम डाइट एंड एक्सरसाइज पे फोकस कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। डाइटरी पैटर्न की बात करें तो चार चीज़ें आपको ज़रूर से करनी है प्रिवेंटिव केयर में। पहली चीज़ होती है विटामिन ए सी एंड ई रिच फूड्स, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखता है। तो जैसे कि वैसे तो कई सारे सोर्सेस है, बट आंवला है, ऑरेंजेस है, एप्पल है, इसके अलावा कैरेट है, बीटरूट है, और कई सारे सोर्सेज जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो सारे सोर्सेज आपको मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लेने हैं, जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे और वेरिकोस वेंस कम रहे। सेकंड नंबर पे आते हैं फाइबर रिच फूड्स। कॉन्स्टिपेशन भी कई बार वेरिकोस वेंस की दिक्कत में
बढ़ावा कर देता है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए फाइबर हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है। फाइबर हमें मैक्सिमम नट से मिल जाता है, रूट्स एंड ट्यूबल से मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, वेजिटेबल्स जो हरी सब्जियाँ होती हैं उससे मिल जाता है। तो ये हमारी बॉडी में ज़रूर से होना चाहिए। प्लस कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, जिससे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो चीज़ देख सकते हैं। थर्ड मेरी टिप है कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दीजिए, बिकॉज प्लास्टिक के वाटर बॉटल में अगर आप पानी पीते हैं या प्लास्टिक के कंटेनर में खाना खाते हैं तो आपको आपका बॉडी में BPA का एलिमेंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको वेरिकोस वेन्स बढ़ने के चांसेस है। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट कि अल्कोहल सिगरेट टोबैको इस कंडीशन के दौरान आप कम कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। वैसे भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे भी इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये चार कंडीशन डाइटरी पैटर्न ऐसे थे जो अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइजेस के अंदर पहली एक्सरसाइज होती है आपकी लेग एलिवेशन। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं इस पर्सन को करवा रहा हूँ लेग एलिवेशन। लेग एलिवेशन के अंदर एक रेजिस्टेंस बैंड आपको लेना है और वो आपके फीट में प्लेस करने के बाद आपको लेग को एलिवेट करना है। कितना? 45 डिग्री पर। अब ये आप 10-10 सेकंड तक कर सकते हैं, मतलब 10 सेकंड को लेग को होल्ड रखिए और ये 10 रेपिटेशन करिए। दिन में एक बार ये चीज़ ज़रूर से करनी है। सेकंड एक्सरसाइज होती है प्लांटर फ्लेक्शन डोर्सिफ्लेक्शन। इसी एलिवेटेड पोजीशन में आप प्लांटर फ्लेक्शन डोर्सिफ्लेक्शन पोजीशन जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं वो पोजीशन कर सकते हैं, जिससे आपके एंकल और आपके काफ जो इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। थर्ड होता है फोम रोलर। फोम रोलर एक ऐसा टेक्निक, ऐसा टूल है कि जो आपके घर पे ज़रूर से होना चाहिए, जो आपकी बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में हेल्प करता है अगेन, और आपके जो स्कार टिश्यू है उसे भी रिलीज करने में हेल्प करता है। इसको आपके काफ और हैमस्ट्रिंग और नी जॉइंट के आसपास इस तरह से अपनी बॉडी की सहायता से, बॉडी के वेट से रोल करना है आपको इसके ऊपर, जिससे आपकी बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अच्छे से बढ़ जाएगा। और फोर्थ है काफ रेजेस। काफ रेजेस अगेन एक काफ की एक्सरसाइज है जिसमें काफ में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, लेकिन आप ज़्यादा वजन के साथ इसे ना करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप ये एक्सरसाइज ना करें, अगर आपका वेट कम है, नॉर्मल है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मोस्टली वेरिकोस वेन्स ओबेसिटी वाले लोगों को ज़्यादा आता है, बिकॉज वही लोग सेडेंटरी होते हैं। तो डेफिनेटली ये एक्सरसाइज अगर आपको पेन नहीं हो रहा, या ऊपर की तीन एक्सरसाइज कुछ समय करने के बाद ये आप चालू कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पेन है तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करिए, बाकी ये भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो चार एक्सरसाइज देखी हमने और चार डाइट की टिप देखी हमने। आप ये चीज़ 15 दिन करेंगे, 15 दिन में आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। कम से कम आप अपने पैर पर अच्छी तरीके से खड़े रह पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक होने में समय लगता है, या तो सर्जिकल प्रोसीजर आप डिले करवा सकते हैं, और उसके बाद ज़रूर से आपके नियर बाय डॉक्टर का कंसल्ट कर आप पूछ सकते हैं कि प्रोसीजर की ज़रूरत है या यही चीज़ों से मेरी जो सारी कंडीशन है वो ठीक हो सकती है या रह सकती है। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, डाइटिशियन गौतम जानी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई डाउट है तो आप मेरा पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं ऑन दिस गिवन नंबर। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर से करें, और अपने नियर एंड डियर वंस को जिसको दिक्कत है उसको ये ज़रूर से दिखाएं और ये फॉलो करवाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी सबसे ज़्यादा हिट करें, बिकॉज इससे जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी।